थैंक यू हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल. आई जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग साला खडूस एंड इट्स अ नॉकआउट पंच. टेल मी व्हेन टू स्टार्ट. सो आई जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग साला खडूस एंड आई एम स्टिल इमोशनल. इट्स अ नॉकआउट पंच. इट डिलीवर्स. इट्स फैंटास्टिक. इट इज बेसिक. इट रीचेज यू. इट इज इमोशनल. And I loved the girl. She's done extremely well. Madhuan, the story, the direction. I'm really kind of in awe of this film. सबसे खड़ूस director. नहीं producer मैं नहीं बोलूँगा. प्रॉब्लम हो जाएगी. खड़ूस डायरेक्टर कौन है यार? पता नहीं. पुराने ज़माने में होते थे मेरे ख्याल से. एक्टर आप तो कई सारे लोगों के साथ एक्टर अगर आप बता सकते. फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैंने सच सच कह दिया तो. नहीं ऐसा नहीं है. मेरा एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहा है एक्टर्स के प्रति. तो मतलब स्पेक्टेकुलर रहा है तो मैं बोल ही नहीं सकता कौन खड़ूस है. ज़रूर कहा होगा साला. तो बहुत लोगों का है साला खड़ूस का ही होगा पक्का. मतलब कि जब मैं खास करके जब मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता था तब तो ज़रूर ही कहा होगा. अच्छा, आप मुझे बहुत लोग कहते हैं. मेरे असिस्टेंट्स ही कहते हैं. यूनिट के लोग कहते हैं. ऐसा मौका अक्सर आता रहता है जब मैं खड़ूस हो जाता हूँ. मेरे ख्याल से अपने काम में अक्सर मुझे ऐसा होना होता है जब लोगों को लगता है कि ये सीन बड़ा अच्छा है इसको क्यों काट रहा है. मगर बोल मैं काटना होता है तो फिर खड़ूस बनना पड़ता है. जी देखो आई थिंक दैट फिल्म्स अगर इफ द फिल्म्स आर गुड देन दे आर जस्ट गुड एंड दे विल फाइंड अ वे. एंड Of course, the government should support and everybody should support. But sports films are being seen in this country, in India, a lot because good sports films are finally being made in this country, like Saala Khadoos, like Chak De, like Mary Kom, and all that. All of these are such good films. Any sports personality, just ke upar aap banana chahe? आप भी कभी सोचा? Sir, look straight. Yeah, नहीं नहीं, but. नहीं सी अजहरुद्दीन somebody is making a film on. I think that's good. कपिल देव पे फिल्म बननी चाहिए मेरे ख्याल से. मोस्ट और शायद ध्यानचंद पे फिल्म बननी चाहिए पक्की बात. मैं हाँ बोलो. राजकुमार हिरानी जी ये अब संजय दत्त की बायोपिक पर फिल्म कर रहे हैं. रणबीर कपूर करने वाले हैं. कुछ कहना चाहेंगे आप उन्हें? मैं अभी फिल्म बननी शुरू भी नहीं हुई है तो एक्साइटमेंट मुझे तो अभी से है. बट बहुत पहले इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर के क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है मुझे लगता है. एक लास्ट अब हो गया लगता है आप लोगों का. मैं जाता हूँ. हाँ ओ यार आई हैव नो आइडिया. देर इज़ नो वर्जन ऑन इट. आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट. आई डोंट इवन it's very subjective. I don't comment on other people's personal relationships. Yeah. Thank you. Very inspiring. मैंने नहीं expect किया था. Expectation से बहुत ज़्यादा अच्छी निकली. और जो हमारी star हैं मधि और माधवन they are fantastic. They both totally surprised me and you know जब एक बहुत खूबसूरत अच्छी सिंपल सी फिल्म बनती है तो उसकी सिंपलिसिटी लोगों तक पहुंच जाती है अगर वो ऑनेस्टी के साथ बनी हो. आई लाइक टू कंग्रेचुलेट द डायरेक्टर एंड राजू जी फॉर यू नो पुटिंग दिस ऑन स्क्रीन एंड आई एम ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सिंपल फिल्म एंड पीपल विल लाइक इट. सब क्वेश्चंस. एक तो आपकी जिंदगी में साला खडूस कौन है? मेरे पापा. कहाँ हैं के आसपास? वो खडूस है इसलिए घर में बैठे हैं. खड़ूस सिंगर सुखविंदर सिंह. बहुत खड़ूस मतलब इन अ गुड वे. एंड डू पीपल
find you when they want to ask you? I think, आपको लगता है मैं खड़ूस हूँ? नहीं. कुछ लोग सोचते हैं मैं खड़ूस हूँ. आई थिंक थोड़ा खड़ूस सबको होना चाहिए. आपकी अपनी जिंदगी है, you know. You are doing a film? Yeah. है ना? Let's see when. कब है वो? जी अभी तक उसके उस बारे में हम बात नहीं कर सकते, बट आपने पढ़ाई होगा उस बारे में, तो वो सच है. अब देखते हैं, वो जब डेट्स फाइनलाइज वगैरह होंगी तो जरूर करेंगे. ये बहुत ब्रॉड हिंट है, थोड़ा सा कंसाइज में दीजिए कि कौन एक्टर, किस तरह की फिल्म होगी, मतलब किस तरह की. आई थिंक नागेश ने करना चाहती है, और किस तरह की. मैं बहुत अच्छे अच्छे रोल्स करना चाहती हूँ. मैं आई एम ओपन फॉर एक्टिंग नाउ. मुझे मज़ा आता है, मुझे फिल्म्स देखना अच्छा लगता है, मुझे अब एक्ट करना भी अच्छा लगता है. तो आई लाइक टू ट्राई माई हैंड इन इट. और जहाँ तक मेरी उस फिल्म की बात है, तो नागेश ने अपने इंटरव्यू में काफ़ी विस्तार में बता ही दिया था किस तरह की फिल्म है. नागेश कुकनूर. सो जब अभी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उसमें, तो जब डेट्स फाइनलाइज की जाएंगी तो ही हम शुरुआत कर सकते हैं. तो अभी वी आर वर्किंग ऑन दैट. फर्स्ट फेब से शुरू है? नहीं नहीं, अभी वी आर वर्किंग ऑन द डेट्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हैप्पी रिपब्लिक डे. सेम टू यू. हैप्पी रिपब्लिक डे. हाउ वाज द फिल्म? कैसी थी फिल्म? बहुत अच्छे थे. बहुत मुझे बहुत मोटिवेशन मिला इस मूवी में. बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लाइक हम लोग लास्ट 18 ईयर से हम जो फेस कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आए बॉक्सिंग के अंदर, और फिर हम लोग ने फाइट किया. पूरा लास्ट 15 ईयर से हम इंडिया टीम में खेल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो उसमें अभी इंडियन बॉक्सिंग में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा हाई दिखाया. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. बहुत अच्छा लगी है, मतलब बहुत अच्छी लगी है. वो बॉक्सर जैसा दिख रहा था. मैं मतलब उसने फाइट किया या पैडिंग या बैट बैक में मार रहे थे, जब रियल बॉक्सर लग रहा है. आप लोग करेंगे एक्टिंग अभी कुछ समय में? आप नहीं नहीं, हम रिंग के अंदर में हीरोनी हूँ, और बाहर में मूवी मूवी में नहीं. अभी तक तो हमने सोचा नहीं है, क्योंकि अभी बहुत बिजी शेड्यूल हूँ. अभी ओलंपिक क्वालिफाई आने वाला है मार्च में, अभी साफ गेम है, तो कंटिन्यूसली हम लोग को फोकस गेम में फोकस है, तो बाकी टाइम सोचने के लिए अभी बहुत नहीं है. फोकस तो ठीक है, फिर भी कोई एक्टर ऐसा सोचा जैसे इम्तियाज जी पीछे से जा रहे हैं, उनके साथ काम करना चाहेंगे आप? अभी अभी तक नहीं है ये, क्योंकि बॉक्सिंग के मूवी में ये अच्छा बॉक्सिंग कर रही है. एक्चुअली मैं इनको फर्स्ट टाइम मिली हूँ इन पर्सन, बट मैं जानती हूँ इन दोनों को. ऑफकोर्स बहुत फेमस बॉक्सर्स हैं ये, और जब इन्होंने बोला कि इनको फिल्म अच्छी लगी, तो बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, बस मतलब कम्प्लीट. थैंक यू सो मच. हमें जब बॉक्सिंग करते हैं थोड़े विजुअल्स चाहिए, दिखाई कैसे करते हैं आप दोस्त? फीमेल फीमेल की बॉक्सिंग. अभी हम लोग कपड़े की बॉक्सिंग का एक्शन करके दिखाइए. आप दोनों करो, आप दोनों. आई अभी तो बहुत जरूरी है, हर लड़की को बॉक्सिंग आना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए. आप दिखाएंगे तभी तो आएगा लड़का डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे मारना है, वही दिखाना है ना. आप लोग अपने बीच में करिए, वही बनेगा अच्छा. वो बोल रहे हैं अपने आप करो, किसको एक दूसरे के बीच में लाइक शो योर पंचेस इन बिटवीन योरसेल्फ. ओके, लग जाएगा इसको. प्लीज मैम, प्लीज गो अहेड, कुछ कर दो. हां या थोड़ा पीछे ना. हां यस, नहीं आपने बहुत अच्छा कट मारा. जस्ट होल्ड लाइक दिस सो दैट दे कैन टेक पिक्चर्स. होल्ड लाइक ऑन योर फेस. यहां पर ऊपर लीजिए हाथ. हां हां, दिस वन, दिस वन. यार यू आर राइट.
का होल्ड दिस पोज फॉर 10 सेकंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड गो इन द फ्रंट यस थैंक यू बाय 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 सर बाय हो गया ना बच्चा कासम भाई पूरी आप एक्ट्रेस लग रही हो आप थैंक यू ओनली हाउ मेनी डेज 3 days टू गो नाउ 3 days आई नो रोज स्क्रीनिंग है आई थिंक हम लोगों ने कल की थी चंडीगढ़ में माय पैकेज हां या लुक साइड थी या हम लोगों ने कल एक रखी थी चंडीगढ़ में सिर्फ बॉक्सर्स के लिए तो मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जितने बॉक्सर्स सब लोग आए थे और मतलब पागलपन हो गया थिएटर में मतलब इतना मजा आया पूछो मत बहुत मजा आया आमिर खान आने वाले हैं यहाँ पे नहीं आएंगे वो शायद दिल्ली में आएंगे जहाँ हम लोग कल जाएंगे मैं बहुत सबकी फैन हूँ मैं जैसे प्रियंका चोपड़ा अनुष्का शर्मा कंगना रनौत दीपिका पादुकोण आलिया भट्ट सबकी मुझे सब बहुत पसंद है सब एक्टर रणवीर सिंह माधवन सर शिट ओके माधवन सर रणवीर सिंह बस इतने ठीक है नहीं अगर कुछ अच्छा मिलता है करने के लिए तो मैं एक्टिंग करूंगी अदरवाइज जो बॉक्सिंग तो नहीं हूँ मतलब कराटे की बॉक्सिंग बचपन से है मेरे साथ मार्शल आर्ट्स बचपन से है तो वो कभी छोड़ूंगी नहीं वो तो हमेशा रहेगा लाइफ में थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू मैं एक्सपेक्टेशन कोई नहीं रख रही हूँ मैं सोच रही हूँ कि वो आ रहे हैं बहुत बड़ी बात है मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फिल्म देखने आ रहे हैं वो एंड बस मुझे उसी बात की बहुत ज़्यादा खुशी है थैंक यू